हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का एक पोएम जिसका नाम है भगवान के डाकिए। और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम का एक छोटा सा समरी दे देती हूँ। तो भगवान के डाकिए कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। उनके अनुसार ये एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को ना समझ पाए, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। तो पोएम कुछ ऐसे है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इन लाइंस में कवि पक्षी और बादलों को भगवान के दूत यानी डाकिया कहते हैं। ये दोनों ही दुनिया की किसी भी सीमा रेखा को नहीं मानते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक एक देश की सीमा को लांघकर दूसरे देश में चले जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि इन दोनों यानी पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए संदेशों को पढ़ना या समझना हम इंसानों के वश की बात नहीं है। यानी ये जो चिट्ठियां लेकर आते हैं उनमें क्या लिखा होता है हम उसको ना पढ़ सकते हैं और ना ही समझ पाते हैं। लेकिन जिन पत्रों को हम नहीं समझ पाते हैं उन्हें ये पेड़ पौधे पानी और पहाड़ आराम से समझ जाते हैं। इसलिए बादलों को देखकर पेड़ पौधे और पक्षी खुशी से झूमने लगते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि हमने इस पूरी दुनिया को अलग अलग देशों की सीमाओं में बांट रखा है, इसलिए हम यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को मीठी सुगंध भेज रही है और वह खुशबू हवा में तैरते हुए चिड़ियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश जा रही है। यानी माटी या फूलों की खुशबू उड़ते समय देश की सरहदों को नहीं देखती है। कवि आगे कहते हैं कि एक देश के नदियों, तालाबों या समुद्र के पानी से उठी भाप काले घने बादल बनकर दूसरे देश में पहुंचती है और फिर वहां से झूमकर बरसती है। तो इन लाइंस में कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि बादल बरसते वक्त या खुशबू फैलाते वक्त किसी देश की सरहद को नहीं देखता है, दोनों एक समान और निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं। तो हम इंसानों ने आपस में ये भेदभाव क्यों पैदा कर लिए हैं? हमें भी आपस में बिना किसी भेदभाव के प्रेम के साथ रहना चाहिए। यानी इस कविता का संदेश क्या है कि यहाँ पर कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी जाति पाति, मेरा तेरा, अपना पराया, देश की सीमाओं के बंधन से ऊपर उठकर पक्षियों और बादलों की तरह प्रेम और आपसी भाईचारा का माहौल बनाकर रहना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए और पूरी दुनिया में निष्पक्ष होकर प्यार बांटना चाहिए। तो ये है कविता का संदेश। मेरा आज का प्रवचन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको पोएम समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।